कम ऑन, हो गया। यह क्या है? मुझे लगता है मुझे जाना है, मेरी बहन को मदद की जरूरत है। अलार्म, यह दादी के लिए रसोई में जाने का समय है। ऐसे क्यों डराना है? तुम्हारा शेफ भी बस रास्ते में है। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? मैं सच में भूखी हूँ, मुझे खाना दो। यह रापापा पर खाना पकाने की चुनौती का समय है। हम कहाँ से शुरू करें? हॉट डॉग के साथ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? सॉसेज और ब्रेड। दादी, क्या मैं तुमसे थोड़ा तेल उधार ले सकता हूँ? शुक्रिया। जीत के लिए मैं थोड़ा तेल कुर्बान कर सकता हूँ। चलो। बॉब ने तो थोड़ा ज्यादा ही तेल डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे सॉसेज फेंक कर नहीं डाल सकते हो। बचाओ, तेल उछल गया है। गर्म, आह! यह तुमने क्या किया है? हम यह सब चीज तल सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं अपना कीमती समय तुम पर क्यों बर्बाद करूंगी? बल्कि मैं अपना हॉट डॉग तैयार करूंगी। क्या सुगंध है! बस कितना सुंदर है, सॉस डालना ही बाकी रह गया था। यह कैसा शोर है! क्या तुम फिर से? तुम सॉसेज के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? मुझे लगता है यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम कुछ नहीं समझते, एक हॉट डॉग को बहुत परिष्कृत बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें बैटर में सॉसेज पकाने होंगे, हमें अंडे, दूध और आटे की जरूरत होगी, और अब बस इस सबको अच्छे से मिलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अगर इसमें चीज डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। हमें बस चीज और सॉसेज को एक स्क्यूअर पर रखना होगा। अब केवल तेल को गर्म करना ही बाकी रह गया है। अब इसे सॉसेज को बैटर में अच्छे से रोल करना है और फिर इसे गर्म तेल में डालना है। यम्मी। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अब मुझे वास्तव में सॉस की जरूरत है। समय क्यों बर्बाद करें? मैं एक ही बार में सब डाल देता हूँ। हो गया, यह अच्छा है। चलो ठीक है, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ। अब मैं इस आसमानी हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। अब मैं इस तरह के असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इस तरह के हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ, तुम जीत गए। मैं ये जानती थी। कूल। इस बार मैं स्वादिष्ट पास्ता खाना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आसानी से हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे पकाना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरों को देखूंगा। जाहिर है इन नूडल्स से शुरुआत करनी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें सॉस पैन में कैसे फिट कर सकता हूँ। ओह, यह काम किया। ओह, तुमने क्या किया है? तुमने उन्हें तोड़ दिया। बस उनके उबलने तक इंतजार करना होगा ताकि वे पूरी तरह से पैन में फिट हो जाए। मुझे लगता है ये नूडल्स तैयार है। क्या यह नूडल्स है? यह दुकान से खरीद कर आए हैं। मैं खुद असली नूडल्स पकाने जा रही हूँ। मैं इसे बहुत जल्दी करूंगी, इसलिए मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। मैं अपने डिश को और भी शानदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। यह बहुत आसान है। आटा साना और इसे उबलते हुए पानी में डाला। मैं अपनी डिश को और भी शानदार बनाने के लिए उसमें झींगा और छोटे टमाटर का भी उपयोग करूंगी। बेलिसिमो। दादी, यह किस तरह की बकवास है? मुझे तो देखकर ही खराब लग रहा है। अरे, क्या हो रहा है? मेरे नूडल्स प्लेट पर क्यों नहीं गिर रहे हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है।
क्यों ना गम और चॉकलेट सिरप का पास्ता बनाए? जैन, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। चलो पहले इसे ट्राई करती हूँ। मुझे झींगा बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर आगे बढ़ती हूँ। दूसरा भाग बहुत बेहतर है, लेकिन तीसरी प्लेट पर क्या है? कितना अलग सा है। ये बहुत अच्छा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। वाह, हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे एक स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए, एकदम आसान। मैं सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए रेसिपी जानता हूँ। बस सभी सबसे स्वादिष्ट और मीठी चीजों को ब्लेंडर में डंप करना होगा, फिर एक शानदार कॉकटेल की गारंटी है। मैं इसमें चॉकलेट, गमी कैंडी और सभी तरह के और कैंडी को डालूंगा, और फिर इसमें कोक भी डाल दूंगा। फिर ढक्कन लगाकर इसे हाई स्पीड पर चालू कर दूंगा। लगभग तैयार है। मुझे तो यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे तो हेल्दी में विश्वास है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जैन स्वस्थ रहे। सब चीज हरा और ताजा है। सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और मैं एक अच्छा कॉकटेल तैयार करूंगी। यह तो देखकर ही घिनौना लग रहा है, लेकिन मैं एक तरबूज में एक फल कॉकटेल बनाऊंगी। मैं अनानास, कीवी और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट का भी इस्तेमाल करूंगी। सबको अच्छे से निकालूंगी, और इन सब के ऊपर हम नारियल का दूध भी डाल सकते हैं। हो गया, अब यह तैयार है। जैन, अब तुम इसे ट्राई कर सकती हो। दिलचस्प। पहला कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मैं तो इसे मुंह लगाने से भी डर रही हूँ। छी, कितना घिनौना है। दूसरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, और इसकी महक भी उतनी अच्छी नहीं है। ओके। भयानक, इसमें से ब्रोकली की महक आ रही है। छी। नो। लेकिन तरबूज में कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सच में बहुत पसंद आएगा। और यह ऐसा ही है, आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट। स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों। ये हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? केक। खुशी के साथ। सबसे पहले एक क्रीम बनानी होगी, और इसके लिए मैं अंडे की सफेदी और चीनी का इस्तेमाल करूंगी। इसे अच्छी तरह से फेंटना होगा। देखो यह कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे केक पर चारों तरफ अच्छे से लगा दूंगी, लेकिन हमें सजावट को नहीं भूलना चाहिए, तब केक सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। बॉब, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यह सच है, मेरे पास चॉकलेट सिरप है, और चॉकलेट सभी को पसंद होते हैं, और मैं गमी बेयर को फिलिंग के रूप में डालना चाहता हूँ। और केवल इतना ही नहीं है, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप और स्किटल्स कैंडीज का भी उपयोग करूंगा। हाँ, ये एकदम भयानक निकलेगा। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली केक कैसे बनते हैं। एक बॉल और लिक्विड कारमेल की मदद से बेस बनाना होगा, ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। हो गया। आप उस पर छोटे केक और अलग अलग डेकोरेशन डाल सकते हैं। देयर इज
सिरप, स्प्रिंकल सब कुछ काम आएगा। जेन, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। यह तैयार है। वाह, यह केक किसी रेस्टोरेंट के केक की तरह दिख रहा है और स्वाद एकदम असामान्य है। ओके। पहला केक भी बहुत स्वादिष्ट है, लाजवाब। और तीसरा केक सिर्फ अद्भुत है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया। सच में? हुर्रे, मैं जीत गई। रा पापा को सब्सक्राइब करें, फिर आप किसी भी स्वादिष्ट और मजेदार चुनौती को मिस नहीं करेंगे।